दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ब्लूटूथ एयरबड की जो चार्जिंग डब्बी होती है, चार्जिंग डब्बी के अंदर बैटरी को रिप्लेस करके दिखाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कि जो भी हमारा एयरबड का डब्बी होता है वो डेड हो जाता है, हमारे एयरबड को चार्ज नहीं कर पाता है या खुद भी चार्ज नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में हमें उसको खोल के इस तरह से देख लेना है कि आपका एयरबड का जो भी डब्बी है उसका बैटरी इस तरह से फुला हुआ तो नहीं है। अगर फुला हुआ है तो ये जो बैटरी है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, दूसरी बैटरी आपको कहीं से भी किसी भी एयरबड से या ब्लूटूथ एयरफोन से निकाल लेनी है और उसको कि इस एयरबड डब्बी के अंदर अगर फिट हो रही है, उसके साइज़ में मिल जाती है तो किस तरह से हम उसको सोल्डर करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्टेज की अगर बैटरी पाई जाती है तो 3.7 वोल्टेज की बैटरी ही लगाना है, बाकी एमएच तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा दोस्तों। जैसे इस तरह से जो मैं लगा रहा हूँ उसमें 600 एमएच की बैटरी है और जो मैंने पहले वाला रिप्लेस किया है वो 400 एमएच की बैटरी थी। तो दोस्तों 400 एमएच की जगह 600 एमएच भी लग जाएगी तो चल जाएगी, क्योंकि ये तो और ज़्यादा काम करेगी, मतलब ज़्यादा पावर बैकअप करेगी। और हम जिस एयरबड को 4 से 5 बार चार्ज करते थे, अब इस बैटरी के द्वारा हम उसको कम से कम 8 से 10 बार चार्ज कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको वायर को छील लेना है, छीलने के बाद में बैटरी के साथ सोल्डर कर देना है और लगा देना है दोस्तों। तो आपका जो भी डब्बी है, जो चार्जिंग डब्बी है एयरबड की, वो बिल्कुल चार्ज होने लग जाएगी और बैकअप देने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।